इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंट्स को तेहरान की उस इमारत में विस्फोटक लगाने का जिम्मा दिया था जहां पर हमास का राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। शुरुआत में हानिया को मई में ही उस समय मारने का प्लान था जब वो पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान आया हुआ था। मोसाद के निर्देशन में काम कर रहे दो एजेंटों ने उत्तरी तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स IRGC गेस्ट हाउस के 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक उपकरण रखे गए। ये स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया था क्योंकि पूरी संभावना थी कि हानिया यहीं ठहरेगा और एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों के पास मौजूद सर्विलांस फुटेज में एजेंट जो है वो चुपके चुपके वहां पर घूमते हुए नजर भी आए और देखिए डिवाइस लगाने के बाद वो गुपचुप तरीके से ईरान से बाहर भी निकल आते हैं, लेकिन देश के भीतर उनके गुर्गे वहां पर मौजूद थे और बुधवार की सुबह 2 बजे गुर्गों ने उस कमरे में लगे विस्फोटकों को दूर से ही उड़ा दिया जहां हानिया रह रहा था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। ये ईरान के लिए अपमानजनक और एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है और इस चूक के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स IRGC जवाबी कार्रवाई के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है।